हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का एनालिसिस का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे पास स्पेक्ट्रम की बुक है, मैं स्पेक्ट्रम की बुक फॉलो करूँगी। आपके पास जो भी बुक हुई आप वो फॉलो कर लेना, ठीक है। एंड इस बुक का हम सीक्वेंस का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। नोट्स बनाए हैं, हम इन्हें फॉलो करेंगे। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसके डोमेन मतलब इनपुट वैल्यूज, डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसके डोमेन सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जैसे मैंने एक सीक्वेंस ले ली ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब इसमें डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पुट करूँगी, एन को 1 पुट करा 1 आ गया, 2 पुट करा 4 आ गया, 3 पुट करा 9 आ गया, 4 पुट करा 16 एंड सो ऑन। तो ये मेरी क्या बन गई? एक सीक्वेंस बन गई, और इसको हम बोलेंगे nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले ली, बी एन इज इक्वल टू 1/n, एन को 1 पुट करो, एन को 2 पुट करो 1/2, 3 पुट करो 1/3, 4 पुट करो 1/4 एंड सो ऑन, आगे तक चलती रहेगी 1/5, 1/6, 1/7 एंड सो ऑन, ठीक है। इस सीक्वेंस की जनरल टर्म क्या हो गई? nth टर्म क्या हो गई? 1/n। जैसे एक और एग्जांपल ले ली, -1 की पावर n, n को 1 पुट करा -1, n को 2 पुट करा 1, n को 3 पुट करा -1, 4 पुट करा 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई? सीक्वेंस। और इसकी nth टर्म क्या आ गई? -1 की पावर n, ठीक है। और अब हम बात करते हैं रेंज सेट ऑफ अ सीक्वेंस। रेंज सेट क्या होते हैं? सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट एलिमेंट उठा लो। इसमें -1 एंड 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ना। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस इज नोन एज द रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस। अब इसमें सारे ही एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, तो इसका रेंज सेट क्या आ जाएगा? ये सारा सेट इस सीक्वेंस का रेंज सेट आ जाएगा। इसमें भी सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, ये सारा सेट क्या आ जाएगा? इस सीक्वेंस का रेंज सेट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रियल सीक्वेंस की। रियल सीक्वेंस क्या होती है? वो सीक्वेंस जिसका रेंज सेट क्या हो? रेंज सेट या तो रियल हो या सबसेट ऑफ रियल्स हो। मतलब ये एक्स जो है वो मेरा रेंज सेट है, एक्स है वो या तो रियल हो या रियल का सबसेट हो। ऐसे लिख सकती हूँ मैं, एक्स इज़ अ सबसेट। एक्स या तो रियल हो, या तो रियल हो या रियल का क्या हो? सबसेट हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेट के सारे मेंबर रियल हैं, तो ये क्या आ गई? रियल सीक्वेंस। ये भी क्या हो गई? रियल सीक्वेंस। ये भी क्या होगी? रियल सीक्वेंस। अगर रेंज सेट कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स का सबसेट हो तो हम उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। अगर रेंज सेट रैशनल या रैशनल का सबसेट हो तो हम उसे बोलते हैं रैशनल सीक्वेंस। हमारे सिलेबस में रियल सीक्वेंस है, हम रियल सीक्वेंस की ही स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अच्छा एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की रेंज सेट में इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, तो ये क्या होगी? इनफाइनाइट सीक्वेंस। इस सीक्वेंस बी एन सीक्वेंस, इसकी रेंज सेट में इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, तो ये क्या होगी? इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसकी रेंज सेट में दो ही एलिमेंट है, -1 एंड 1, तो ये क्या होगी? रेंज सेट फाइनाइट है, रेंज सेट में दो एलिमेंट है, तो ये सी एन सीक्वेंस क्या हो गई? ये मेरी फाइनाइट सीक्वेंस हो गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इक्वल सीक्वेंस की। बात करते हैं, मैंने यहाँ पे दो सीक्वेंस लिए हैं, एक लिखी है ए एन -1 की पावर n, एक लिखी है बी एन -1 की पावर n+1। इस सीक्वेंस के फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? ए वन, एन को 1 पुट करा -1, 2 पुट करा 1, 3 पुट करा -1 की पावर 3 -1, 4 पुट करा 1 एंड सो ऑन। ये इस सीक्वेंस के मेंबर्स लिखे हैं मैंने, a1 a2 फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, इस सीक्वेंस के मेंबर्स लिखे हैं। सिमिलरली इस सीक्वेंस के मैंने मेंबर्स लिख लिए। अब इस सीक्वेंस का फर्स्ट मेंबर कौन सा है? -1। इस सीक्वेंस का फर्स्ट मेंबर कौन सा है? 1। कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर, उसका फर्स्ट मेंबर और इसका फर्स्ट मेंबर, कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स इक्वल नहीं है, तो ये सीक्वेंस इक्वल नहीं है। हालांकि इस सीक्वेंस का रेंज सेट क्या है? -1, 1, और इस सीक्वेंस का रेंज सेट क्या है? -1, 1। दोनों सीक्वेंस का रेंज सेट इक्वल है, पर सीक्वेंस इक्वल नहीं है।
आप बात समझ रहे हो, इस सीक्वेंस का रेंज सेट इक्वल है बट सीक्वेंस इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है इक्वल सीक्वेंस? क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स जो हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं, वो इक्वल नहीं हैं। हम अब इस इक्वल सीक्वेंस की डेफिनेशन करते हैं। अ सीक्वेंस ए एन एंड बी एन, टू सीक्वेंस ए एन एंड बी एन आर सेट टू बी इक्वल सीक्वेंस इफ़ ए एन इज इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन। मतलब एन को वन पुट करो, ए वन बी वन के इक्वल हो, ए टू बी टू के इक्वल हो, ए थ्री बी थ्री के, ए फोर बी फोर के। ए वन यहाँ पे था माइनस वन, बी वन था वन, माइनस वन इज नॉट इक्वल टू वन, दैट्स वाई दिस इज नॉट, ये दोनों सीक्वेंस आपस में इक्वल सीक्वेंस नहीं है, पर इनके रेंज सेट क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। एक चीज़ देखो, पहले पूरी बी एस सी में आपकी ये चीज़ें यूज़ होंगी, पूरी बी एस सी में। इस सिंबल का मतलब है वी डाल के ऊपर एक लाइन सी डालिए, इसका मतलब है फॉर ऑल। ठीक है, उल्टा ई डाल रखा है, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, ये एप्साइलन, और ये ऐसे, ये डेल्टा, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू तो आपने प्लस वन प्लस टू में भी यूज़ करा होगा, जैसे कोई सेट है ए, ए बी सी उसके एलिमेंट है, तो हम कह देते हैं दिस ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए, ये तो हमने प्लस वन प्लस टू, बिलोंग्स टू वाला तो प्लस वन प्लस टू में यूज़ करा है। ये आपके लिए नए हैं, एप्साइलन और बिलोंग्स टू ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, बट जब आप लिखोगे ना, हाथ से करोगे, तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बट ये सिंबल आपने माइंड में रखने हैं, फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट एप्साइलन एंड डेल्टा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाउंडेड सीक्वेंस की। बाउंडेड सीक्वेंस की बात करने से पहले बाउंडेड अबव सीक्वेंस एंड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस का पता होना चाहिए, फिर बाउंडेड सीक्वेंस की बात करेंगे। अब बाउंडेड अबव सीक्वेंस की बात करते हैं। एक सीक्वेंस को बाउंडेड अबव कब बोलते हैं? अ सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी बाउंडेड अबव इफ़, कब बोलते हैं बाउंडेड अबव इफ़, ये सिंबल कौन सा है? देयर एग्जिस्ट। अगर मुझे एक ऐसा रियल नंबर k मिल जाए, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k सच दैट ए एन इज़ लेस देन इज इक्वल टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कई बच्चों को इसको पढ़ना ही नहीं आता, ये क्या है? ए एन इज़ लेस देन इज इक्वल टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब मुझे एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए सच दैट सीक्वेंस का हर मेंबर, फॉर ऑल का मतलब क्या है, फॉर ऑल एन का मतलब क्या है, सीक्वेंस का हर मेंबर उस के से छोटा हो, उस के को क्या बोलेंगे, अपर बाउंड। जैसे जैसे एक सेकेंड, जैसे हमने ये, यस हमने ये एग्जांपल करी थी, सॉरी ये एग्जाम्पल 1, 1 बाई टू, 1 बाई थ्री, 1 बाई फोर, इस सीक्वेंस का हर एलिमेंट 1 के इक्वल या 1 से छोटा है। ठीक है, तो 1 क्या हो गया, अपर बाउंड, और ये सीक्वेंस क्या होगी, बाउंडेड अबव। ऐसे देखो, सीक्वेंस का मेंबर हो गए 1, 1 बाई टू, 1 बाई थ्री, 1 बाई फोर, 1 सबसे बड़ा है, बाकी सारे मेंबर 1 से छोटे हैं, तो 1 क्या हो गया, अपर बाउंड। ठीक है, 1 क्या हो गया, अपर बाउंड। ठीक है, अब इस सीक्वेंस के सारे मेंबर 2 से भी तो छोटे हैं, तो 2 भी क्या हो गया, अपर बाउंड। इस सीक्वेंस के सारे मेंबर 3 से भी छोटे हैं, 3 क्या हो गया, अपर बाउंड। 2.5 से, यहाँ आएगा 2.5, इस सीक्वेंस के सारे मेंबर 2.5 से भी छोटे हैं, तो 2.5 क्या हो गया, अपर बाउंड। अपर बाउंड यूनिक नहीं होता, अपर बाउंड यूनिक नहीं होता। जिस सीक्वेंस का मुझे अपर बाउंड मिल जाए, वो सीक्वेंस बाउंडेड अबव हो जाती है, एंड अपर बाउंड यूनिक नहीं होता। अपर बाउंड सेट को बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें माइंड में रखनी है। एक तो अपर बाउंड यूनिक नहीं होता, और जो सीक्वेंस बाउंडेड अबव है उसका अपर बाउंड पक्का मिलेगा आपको, और अपर बाउंड यूनिक नहीं होता। ठीक है, और वो सेट को बिलोंग कर भी सकता है, और वो सेट को बिलोंग नहीं भी कर सकता। तो हम बात कर रहे थे, हाँ, बाउंडेड अबव सीक्वेंस की। अब देखा ना, ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड अबव, क्योंकि मुझे इसके अपर बाउंड मिल रहे हैं। 1 इज़ द अपर बाउंड, 2 इज़ द अपर बाउंड, सीक्वेंस के सारे एलिमेंट 1 से छोटे हैं, सीक्वेंस के सारे एलिमेंट 2 से छोटे हैं। ठीक है, जिस सीक्वेंस का मुझे अपर बाउंड मिल जाए, वो सीक्वेंस क्या होगी, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो, इससे बिल्कुल अपोजिट, अ सीक्वेंस इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट, मुझे कोई ऐसा रियल नंबर एच मिल जाए सच दैट
सीक्वेंस का हर मेंबर, फॉर ऑल का मतलब हर मेंबर, सीक्वेंस का हर मेंबर एच से बड़ा हो, और एच इज़ द लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, वो सीक्वेंस जिसका मुझे लोअर बाउंड मिल जाए, जिसका मुझे एक ऐसा रियल नंबर, एक ऐसा लोअर बाउंड मिल जाए सच दैट सीक्वेंस का हर मेंबर एच से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। जैसे यही एग्जांपल ले लो, ठीक है, ज़ीरो इज़ द लोअर बाउंड बिकॉज ये सारे ज़ीरो से बड़े हैं, तो ज़ीरो इज़ द लोअर बाउंड, ठीक है, नो 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 सॉरी ज़ीरो नहीं हम कह सकते, माइनस टू, माइनस टू से ये सारे बड़े हैं तो माइनस टू क्या आ गया इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड, माइनस थ्री भी लोअर बाउंड आ गया, माइनस फोर भी लोअर बाउंड हो गया। लोअर बाउंड भी यूनिक नहीं होते और ज़रूरी नहीं होता कि लोअर बाउंड सेट को बिलोंग करें, ये भी ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अब एक सेकेंड आपको और क्लियर हो जाएगा, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ली 2, 3, 4, 5, बस ये एक सेट ले लिया, ठीक है। अब 6 जो है वो इसका अपर बाउंड है, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट 6 से छोटे हैं तो 6 इज़ द अपर बाउंड, 7 भी इसका अपर बाउंड है, 8 भी इसका अपर बाउंड है, 9 भी इसके इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड है। और अगर लोअर बाउंड की बात करें 1, 0, -1, ये सब क्या है, लोअर बाउंड, बिकॉज 1 से ये सारे एलिमेंट 1 से बड़े हैं तो 1 क्या आएगा इसका लोअर बाउंड, ठीक है। आई होप आपको अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्लियर हो गए होंगे, यूनिक नहीं होते, सेट को बिलोंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है। अपर बाउंड सेट का बड़ा एलिमेंट, बड़े एलिमेंट से भी बड़ा एलिमेंट, लोअर बाउंड सेट के छोटा एलिमेंट, छोटे एलिमेंट से भी छोटा एलिमेंट, लोअर बाउंड। अब बात करते हैं बाउंडेड सीक्वेंस की। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, वो सीक्वेंस जो बाउंडेड अबव भी हो, बाउंडेड बिलो भी हो, मतलब वो सीक्वेंस जिसका अपर बाउंड भी मिल जाए, जिसका लोअर बाउंड भी मिल जाए, उस सीक्वेंस ए एन को क्या बोलते हैं हम, बाउंडेड सीक्वेंस। फॉर ऑल एन का मतलब हर एक मेंबर के लिए मुझे लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड मिल जाए, ठीक है। अब बात करते हैं लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, जस्ट अ सेकंड। अब बात करते हैं लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। अब अपर बाउंड का तो आपको पता चल गया, अपर बाउंड का तो पता चल गया, अब लीस्ट क्या बला है देखते हैं। अपर बाउंड जितने भी अपर बाउंड हैं उनमें से सबसे छोटा अपर बाउंड क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड, नाम से ही क्लियर है। जैसे हमने ये एग्जाम्पल ली थी ना 2, 3, 4, 5, इसके अपर बाउंड कौन कौन से थे, 5, 6, 7, 8, ये सारे इसके अपर बाउंड थे, पर इनमें से सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा था, 5, सो 5 इज़ द लीस्ट अपर बाउंड। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, सारे लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा लोअर बाउंड, सारे, देखो सारे लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा लोअर बाउंड, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम लोअर बाउंड की बात करें, यहाँ पे 2 है ना, 1, 0, -1, -2, ये सारे क्या हैं लोअर बाउंड, 1/2, ये सारे क्या हैं लोअर बाउंड, ठीक है। इनमें से सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है, 2, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आ गया, 2, ठीक है। सिंपल सी बात है, सारे अपर बाउंड में से सबसे छोटा अपर बाउंड क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड, और सारे लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा आ गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब ये तो थी सिंपल सी भाषा, अब आते हैं हम इसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज में, मैथमेटिकली क्या होता है लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड होने के लिए ये क्या लिखा है मैंने, अपर बाउंड की डेफिनेशन ऊपर खड़ी थी ना, ये तो अपर बाउंड की डेफिनेशन है। लीस्ट अपर बाउंड होने के लिए पहले यहाँ पे यू इज़ द लीस्ट अपर बाउंड, पहले यू को अपर बाउंड होना पड़ेगा, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड, ऊपर कड़ी थी। तो एक तो वो अपर बाउंड हो, दूसरी बात क्या है, गिवन एप्साइलन, फॉर गिवन एप्साइलन पॉजिटिव हाउ एवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन यू माइनस एप्साइलन, कि उस अपर बाउंड में से कुछ भी हल्का सा माइनस करो तो मुझे कोई एक ऐसी सीक्वेंस की टर्म मिल जाए सच दैट वो बड़ी हो यू माइनस एप्साइलन से। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं यही सेट, ठीक है। अपर बाउंड क्या है, 6, मतलब 6 इज द अपर बाउंड, ठीक है।
ठीक है। अब सिक्स में से एप्साइलन मैंने वन टेक कर लिया, ठीक है, तो यू माइनस एप्साइलन कितना हो गया मेरा, फाइव, ठीक है, यू माइनस एप्साइलन मेरा कितना गया, फाइव। अब मुझे एक ऐसा मेंबर मिल रहा है सिक्स, सीक्वेंस में एक ऐसा मेंबर मिल रहा है, कौन सा, सिक्स, सिक्स इज ग्रेटर देन फाइव, हो रहा है ना ऐसा, तो यहाँ पे यू मेरा क्या आ गया, अपर बाउंड आ गया, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड आ गया, सॉरी, लीस्ट अपर बाउंड होने के लिए पहले तो उसे अपर बाउंड होना पड़ता है, ठीक है, पहली बात उसे अपर बाउंड होना पड़ता है, दूसरी बात अगर उस अपर बाउंड में से कुछ छोटा सा माइनस कर दूं तो मुझे सीक्वेंस में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो यू माइनस एप्साइलन से बड़ा होगा, ठीक है, तो यू को क्या बोलेंगे हम, लीस्ट अपर बाउंड। सिमिलरली ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इससे उल्टा, एल को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कब बोलेंगे, सबसे पहले तो वो लोअर बाउंड हो, ठीक है, दूसरी बात अगर उस लोअर बाउंड में कुछ छोटा सा ऐड कर दूं तो मुझे एक सीक्वेंस का एक ऐसा मेंबर मिल जाए सच दैट ए एम इज लेस देन एल प्लस एप्साइलन, ठीक है, तो एल को हम क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। एक्चुअली ये डेफिनेशन जो बंदा पहली बार देखता है ना उसे मुश्किल लगती लगती हैं, बट इसीलिए मैंने ये लिखा, आप ये याद रखो, इससे बड़ी हेल्प मिलेगी कि लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, सारे अपर बाउंड में से सबसे छोटा अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, सारे लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा लोअर बाउंड, ये याद रखो आप, ठीक है, ये जब हम ना थ्योरम्स करेंगे उसमें लगाएंगे तब बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। बात करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की, ठीक है, सीक्वेंस, अब जैसे एक सीक्वेंस ले ली वन बाई एन, ठीक है, एन को वन पुट करा तो वन आ गया, एन को टू पुट करा वन बाई टू, एन को थ्री पुट करा वन बाई थ्री, वन बाई फोर, वन बाई फाइव। अब इसको रियल लाइन में प्लॉट करके देखते हैं क्या बन रहा है, वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर, यहाँ पे वन बाई फाइव एंड सो ऑन। ये किसके पास जा रहे हैं, ज़ीरो के पास, ठीक है, द सीक्वेंस ए एन इस, अब इसका फर्स्ट मेंबर का डिस्टेंस ज़ीरो से कितना था, इतना, सेकेंड मेंबर का कितना था, इतना, थर्ड मेंबर का क्या हो गया, और कम, फोर्थ मेंबर का और कम, फिफ्थ मेंबर का ज़ीरो से डिस्टेंस और कम हो गया, सिक्स्थ का और कम, ज़ीरो से डिस्टेंस, इस सीक्वेंस के मेंबर्स का ज़ीरो से डिस्टेंस कम होता जा रहा है, ये सीक्वेंस के मेंबर्स धीरे 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 ज़ीरो के पास आते जाते हैं। अब हम बात करते हैं सीक्वेंस की कन्वर्जेंस पे मूव करने जा रहे हैं, अ सीक्वेंस इज सेड टू कन्वर्ज टू अ लिमिट एल If given epsilon positive, however small, there exists a positive integer m such that a n minus l is less than epsilon for all n greater than equal to m. इस डेफिनेशन को समझते हैं क्या है ये, सी, अ सीक्वेंस ए एन, अ सीक्वेंस वन बाई एन इज सेट टू कन्वर्ज टू ज़ीरो, हम देख रहे हैं ये सारे मेंबर किसके पास जाते हैं, ज़ीरो के, ठीक है, ये m क्या है, M का मतलब होता है एक स्टेज, M का मतलब होता है स्टेज, कि M के बाद इस स्टेज के बाद, ठीक है, इस स्टेज से बड़ी, इस स्टेज के बाद सीक्वेंस का कोई भी मेंबर उठा लो ए एन, ठीक है, जैसे मैंने M ले लिया 100, M ले लिया 100, ठीक है, अब A 200 उठा लो, 200 इज ग्रेटर देन 100, ए 200 उठा लो, ए 200 क्या होगा, 1/200, ठीक है, ये ज़ीरो के पास होता नज़र आएगा, मतलब एक स्टेज के बाद सीक्वेंस के कोई भी मेंबर उठा लो ए एन, एक स्टेज के बाद सीक्वेंस का कोई भी मेंबर उठा लो ए एन, उसका ज़ीरो से डिफरेंस, उसका एल से डिफरेंस, हेयर एल इज ज़ीरो, उसका एल से डिफरेंस बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, हम देख रहे हैं ना, एक स्टेज के बाद, स्टेज जैसे मैंने ये ले ली, इस स्टेज के बाद ये डिफरेंस बहुत कम हो गया, ठीक है, सीक्वेंस के मेंबर्स का डिफरेंस किससे, इस लिमिट से बहुत कम हो गया, तो वो सीक्वेंस उस एल को कन्वर्ज करेगी, समझ लो, देन एल इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, कल दोबारा यहीं से कन्वर्जेंस से हम आगे चलेंगे, ठीक है, आज के लिए हम यही रोकते हैं, ये सीक्वेंस
दोबारा से सुनो, ये सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ज कर रही है. क्यों कन्वर्ज कर रही है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इस सीक्वेंस के मेंबर्स का जीरो से डिस्टेंस कम होता जा रहा है. ये सीक्वेंस के मेंबर एक स्टेज के बाद जीरो के पास आते जा रहे हैं. ठीक है, तो जीरो इसकी लिमिट है. ठीक है, ये सीक्वेंस किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है? ये सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ज कर रही है. ठीक है, आगे हम कल करते हैं. थैंक यू.